अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए बेबी फ्रॉक जो लेकर आई, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश है तमाम के तमाम, क्योंकि ये आप विंटर में भी पहना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फ्रॉक बहुत ही प्यारे लगते हैं हाई नेक या जर्सी के साथ। चाहे आप अपर बनाएं चाहे कोटी बनाएं, बहुत ही प्यारा सा स्टाइल बन जाता है इस तरह के फ्रॉकों के साथ। जब आप अपनी बेबी को प्यारे प्यारे से इस तरह के ड्रेस पहनाती हैं तो बेबी और भी खुश होती है और बहुत प्यारे अंदाज से इस तरह के फ्रॉकों को पहनना पसंद करती हैं। अक्सर आपने विंटर के फ्रॉक देखे होंगे कि उनकी नेक लाइन ज़्यादा डीप होती है, आर्म होल डीप होते हैं और शोल्डर भी थोड़े से आर्म शर्ट से बड़े बनाए जाते हैं, ताकि विंटर में कोई ड्रेस अंदर की तरफ पहने जाएं कोई भी स्टफ के तो वो टाइट ना हो, फ्रंट ओपन हो चाहे बैक ओपन, चाहे जिप बनाएं चाहे स्लिट ओपन रखें, लेकिन थोड़ी थोड़ी से लूज ज़रूर होने चाहिए। एप्लिक वर्क के फ्लावर भी आप लगा सकती हैं जैसा कि आपको फ्रॉक पे नज़र आए। और इसी तरह से जीन्स फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक जिसे कहते हैं, इस तरह तैयार किया जाए फ्रॉक तो बहुत ही हसीन और प्यारे लगते हैं। फ्रॉकों में स्क्वायर स्लीव्स आर्म होल बहुत प्यारे लगते हैं, अगर किसी को पसंद हो तो बना सकता है इजी ट्रिक के साथ। ओपन फ्रॉक प्लेट्स वाले कॉलर वाले वो के साथ बनाए हुए फ्रॉक तो बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं और बहुत ही कॉस्टली भी होते हैं। अगर आप मार्केट से इस तरह के कॉटन फ्रॉक फैब्रिक के फ्रॉक लेने जाएं तो आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि ये तो फ्रॉक वाकई बहुत ही इतने महंगे, और हम अपनी बेबी को इतने महंगे महंगे फ्रॉक कब तक पहनाएं। लेकिन कुछ लोग अपनी बेबी को प्यारे प्यारे फ्रॉक बनाकर पहनाना पसंद करती हैं कि हम खुद बनाएंगे तो वो बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक से भी होंगे और हमारी मर्ज़ी के तैयार होंगे। आइडियाज़ वीडियो में आपके लिए, इसीलिए मैं प्यारे प्यारे फ्रॉक लेकर आ रही हूँ ताकि आपको एक से बढ़कर एक जानदार शानदार फ्रॉक मिल सके और आप अपने बेबी के प्यारे प्यारे फ्रॉक बना सकें। आज की आइडियाज़ वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स का इंतज़ार रहता है आप लोगों का कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, चाहे वो दुआओं वाले हों चाहे हमारे काम की तारीफ के बारे में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी हर जायज़ हाजात कबूल व मंजूर हों। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।